अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 1 मई से सेविंग खातों को लेकर कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। तो ये वो क्या नियम है ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मई महीने से SBI में सेविंग खाते पर मिलने वाले ब्याज के नियम बदल जाएंगे। तो क्या वो नियम है, क्या कुछ फ़ायदा है, क्या नुकसान होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मई में SBI में सेविंग खाते पर मिलने वाले ब्याज बदल जाएंगे। बैंक ने अपने डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेंचमार्क दर से जोड़ दिया है, और इस नए फैसले से 1 लाख रुपए से ज़्यादा के डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ा गया है। मतलब साफ है कि RBI के रेपो रेट में बदलाव होने पर बैंक की जमा दरों पर असर आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए अगले महीने से SBI ने सेविंग रेट में भी बदलाव किया है। तो 1 मई से जो बदलाव हो रहा है वो कुछ इस तरह से हैं। उनमें से सबसे पहले है कि 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर अब 3.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 1 लाख रुपए से ऊपर के बैलेंस पर ब्याज की दर 3.25% होगी। ये नई दर 1 मई 2019 से लागू हो जाएगी। और दूसरा है, 1 लाख रुपए के ऊपर सभी कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट को SBI ने रेपो रेट से लिंक कर दिया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी, और इसी को देखते हुए बैंक ने ये कटौती की है। इसके बाद नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद लंबे समय से लोगों की शिकायत थी कि RBI के ब्याज दर घटाने के बाद बैंकों की ब्याज दर पर इसका असर नहीं दिखता है, इसलिए SBI ने ग्राहकों की शिकायत को दूर कर दिया है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया है कि 1 लाख रुपए से कम के लोन और डिपॉजिट MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से जुड़े रहेंगे। छोटे ग्राहकों को बाजार से उठा पटक से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। और इसके बाद है अगला, रेट दरें। तो देश के सबसे बड़े बैंक ने बताया है कि मई से 1 लाख रुपए से ज़्यादा के सभी सेविंग बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म लोन RBI के बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़े जाएंगे। और रेपो रेट अभी 6% है। बैंकों को रेपो रेट पर ही RBI कर्ज देता है, जबकि सेविंग बैंक की रेट से 2.75% कम होगी। वहीं 1 लाख रुपए से ज़्यादा के छोटी अवधि के लोन पर रेपो रेट से 2.25% अधिक ब्याज रखा जाएगा। यह फैसला पहला मौका है जब बैंक से बचत, छोटे लोन और डिपॉजिट रेट को सीधे तौर पर रेट के साथ यानी रेपो रेट के साथ लिंक किया जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।